हैदराबाद का वेब 7। एक पानी बोतल, एक चिप्स दे दो। हेलो दोस्तों, मैं विक्की और अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ नई दिल्ली से लेके लखनऊ के बीच, जो कि बताऊंगा ट्रेन कौन सी है। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे क्योंकि अभी हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी बारिश, बहुत तेज़ हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। दिल्ली का मौसम आज बहुत ही सुहाना सा है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, बताता हूँ प्लेटफॉर्म पे जाके कौन सी ट्रेन है हमारी और आज क्या है उस ट्रेन में स्पेशल, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और यह है नाइट का व्यू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर रात में आप अभी आते हैं ना तो इस तरह की लाइटिंग होती है। और ये रहा अपना फ्लैग जो कि अभी बिल्कुल ही लहरा नहीं रहा है, हालांकि अभी और हवा इतनी चल नहीं रही है। तो चलता हूँ सीधे प्लेटफॉर्म पे, मिलता हूँ आपको प्लेटफॉर्म पे और देता हूँ आपको वहीं पे उसकी सारी जानकारी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और हमारी ट्रेन है 02430 नई दिल्ली लखनऊ एसी स्पेशल। और आज ये ट्रेन में जो है थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस लगने वाले हैं। पहले लगे थे प्रयागराज से जयपुर वाली ट्रेन में, अब लग रहे हैं नई दिल्ली लखनऊ एसी स्पेशल में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, दिखाऊंगा आपको इस ट्रेन की सारी जानकारी, क्या किराया है नई दिल्ली से लखनऊ एसी स्पेशल का, थर्ड एसी इकोनॉमी का कितना कम है थर्ड एसी से। तो अभी ट्रेन आने में तकरीबन 10-15 मिनट टाइम है और अभी बज रहे हैं 11 बजने के आसपास, बाकी अभी भी कम से कम 15 में तो टाइम ही ट्रेन आने में। तो ट्रेन आता है तो मैं दिखाता हूँ इसका अराइवल। और अभी 11 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन साफ 11 o'clock प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाई जा रही है। गाजियाबाद का वेब 7। चलते हैं M1 के अंदर और दिखाता हूँ आज मेरी सीट एक्चुअली M2 में है, साइड लोअर। तो चलता हूँ मैं ट्रेन में, फिर दिखाता हूँ आपको सारी जानकारी। अभी ट्रेन खुलने में 8-9 मिनट बाकी हैं, तो चलते हैं कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं फिर, क्योंकि अभी ओवरनाइट जर्नी है, पानी हमें ले लेना चाहिए। खाना वाना तो मैं खा के आया हूँ घर से ही। तो मैं भैया एक पानी बोतल, एक चिप्स दे दो। एक पानी बोतल, एक चिप्स दे दो। पानी ले लिया है बस, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। बाय सर।
और एक मिनट की देरी से हम निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दांत दबाना पड़ेगा सर वहाँ। सिस्टम ही बस नया है, पैसे 20 रुपये कम है, खड़े सी से और कुछ नहीं है। इसके एक्चुअली लिमिटेड 4 स्टॉप ही हैं, तो ओवरनाइट जर्नी होने वाली है हमारी। और ये सामने शताब्दी है, अमृतसर शताब्दी। गेट को कर देते हैं बंद। अभी एक्चुअली ओवरनाइट जर्नी है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं बाहर। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा गाज़ियाबाद 12:05 या 12:10 के आसपास। तो मिलते हैं आपसे गाज़ियाबाद में, क्योंकि अभी तो रात की जर्नी है, ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं वैसे भी, तो सीधे गाज़ियाबाद में मिलता हूँ। एक्चुअली अभी ना रात हो रही है और मैं तो अपना खाना वाना खा कर ही आया था यहाँ से, और अभी टाइम हो चुका है, मैं अपना बिस्तर से लगा लेता हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का मैं दिखाता हूँ आपको स्टेशन पे, उसके बाद इस ट्रेन का किराया और इस कोच का पूरा रिव्यू, क्योंकि वो करूँगा सुबह, क्योंकि अभी सब सो चुके हैं, रात की ट्रेन है ना, सब सो चुके हैं, उनको जगा के ये सब करना अच्छी बात नहीं होगी और उनको भी परेशानी होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे गाज़ियाबाद, उसके बाद आएगा बरेली, तो गाज़ियाबाद बरेली कैप्चर करूँगा, फिर उसके बाद सीधे सुबह मिलूँगा आपसे मैं, और बाकी इस कोच का पूरा रिव्यू भी सुबह बताऊँगा, क्या फेयर है, कितने कोचेस हैं इसमें और कितना फेयर कम है थर्ड एसी से। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं, इसमें बस दोनों के पैर हैं, ये तो सीट है। अभी तो सफ़र छोटा है, लेकिन जब लंबी सफ़र में सामने तो बोर हो जाएगा, कि जो एक ही दीवार और देखता रहेगा दीवार को, तो बोर पक्का होना उसको। समय से करीब 8 मिनट देरी से हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन, 6 नंबर का ये प्लेटफॉर्म है, और हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अभी 8 ही मिनट देरी हुआ है, क्योंकि पीछे ऑटो पे थोड़ी देर इसको रोक दिया गया था, सिर्फ 2 ही मिनट का मारते यहाँ पे हॉल्ट है, तो ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से 2 लाइनें जाती हैं, जिस पर हम जा रहे हैं मुरादाबाद, और 1 लाइन जाती है यहाँ से अलीगढ़, तो ये ट्रेन हमारी चली जाएगी मुरादाबाद को। तो मिलता हूँ आपसे अब अगले हॉल्ट पे बरेली जंक्शन। 2 मिनट रुकने के बाद 12:14 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है गाज़ियाबाद से। अभी हम यहाँ से डाइवर्ट होंगे मुरादाबाद वाली लाइन पे, और 1 लाइन यहाँ से जाती है अलीगढ़ को, तो इसीलिए गाज़ियाबाद को जंक्शन कहा जाता है।
चलते हैं अब अंदर, क्योंकि रात में कुछ दिखाने को है नहीं। हमने क्रॉस कर दिया गाजियाबाद। चलिए अब थोड़ी देर सो जाते हैं, मिलता हूँ आपसे सीधे बरेली पे, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ मैं। और टाइम टू स्लीप। बरेली आँख खुली तो पक्का आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी बाहर भी रात हो रही है, कुछ देखने लायक है नहीं, तो मिलता हूँ सीधे आपसे बरेली जंक्शन। The next morning. मॉर्निंग गाइज, अभी जस्ट हमने इस हरदोई स्किप किया है और रात में ना नींद ऐसी आई कि मैं ना मुरादाबाद कवर कर पाया, ना मैं बरेली कवर कर पाया। लेकिन हाँ, अभी ट्रेन जो है ना अपनी ऑन टाइम ही चल रही है, एक्चुअली बिफोर ही चल रही है। अभी जस्ट हमने हरदोई स्किप किया है, बस यहाँ से 100 किलोमीटर रह गए लखनऊ चार बार। और मुझे लग रहा है ना, ये टाइम जो है ना अभी हमको अराउंड 10-15 मिनट पहले ही पहुँचा देगी लखनऊ पे। तो देखते हैं आप सुबह का व्यू, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुका है। इस ट्रेन में ना पेंटी कार आपको नहीं मिलेगी, तो चाय वगैरह तो आपको मिलनी नहीं है। ओवरनाइट जर्नी है तो पेंटी कार नहीं रखा गया इस ट्रेन में। बस सुबह होते ही मतलब 5, अभी 6 बजने वाले हैं और 7:30 बजे के आसपास हम लखनऊ में होंगे। या फिर 7 बजे ही कह दीजिए, क्योंकि बिफोर चल रही है। 110 गाड़ी की एवरेज स्पीड है, वही मेंटेन करके ही चल रही है पूरे रूट पे। अभी हमने जस्ट हरदोई को स्किप किया है, अभी हम वापस आ गए मेन लाइन पे और यह हम सीधे जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। तो दिखाता हूँ आपको बाहर का सारा व्यू, बने रहेगा इस वीडियो में। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ से कुल 80 किलोमीटर रह गया लखनऊ और अपनी ट्रेन भी 110 लगातार चली रही है। अभी सब सो ही रहे हैं कोच में, तो ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, बाहर का व्यू चल ही रहा है।
दोस्तों इसका जो सीट है ना, मतलब जो पुरानी थर्ड एसी है उससे थोड़ा सा कम है, मतलब आपको जब लेटेंगे ना तो आपको स्पेस का पता चल जाएगा। हर सीट के लिए मतलब एक अलग से बोतल होल्डर दिया गया है दोनों सीटों पे, मतलब जितनी सीटें हैं ना, अगर आप मिडिल के लिए भी हैं, लोअर के लिए भी है, तो सब के लिए बोतल होल्डर दिया गया है। गिलास आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। ये पहले एक्चुअली, अब देखो यही सब हमारी एक्चुअली पैसेंजर की गलती होती है, आपको इसको डस्टबिन में डालना चाहिए था। खैर क्या ही कहें, जो ये अपना जो पहले है लोहे का होता था, आप इसमें कुछ सामान रख सकते थे, आप इसको फाइबर का कर दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप कोई सामान गिर नहीं सकता, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं आप। हर सीट पर रीडिंग लाइट है सर, ऐसे करके आप इसको ना, मतलब रात में अगर आपको कुछ पढ़ना वगैरह हो तो हर सीट पर है ये, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, सब पे रीडिंग लाइट है। और हर सीट के लिए पर्सनल चार्जर भी है, आप यहाँ से यूएसबी के थ्रू चार्जिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल होल्डर है ताकि आप फ़ोन चार्ज करें तो आपको फ़ोन कहीं हिलेगा नहीं। ये देखिए वहाँ पे भी है, तो मतलब हर जगह दिया गया है, ऊपर वाले बर्थ के लिए भी है। बाकी जो अगर आप बैठेंगे ना थर्ड एसी में, तो हमारे जो पाँव है ना, मतलब इसका सीट जो है थोड़ा सा छोटा, मतलब साइज़ में अगर आपको थोड़ा कंजेक्टेड है, मतलब दोनों अगर बैठेंगे ना तो एक दूसरे का पाँव आपस में टकराएगा। लखनऊ आ गए। और बाकी ऐसा ही है, गैलरी थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको साइज में। सरकार और मिडिल बर्थ के लिए भी सेम है, मतलब आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिल जाएगी, यूएसबी सॉकेट मिल जाएगा, पूरा गिलास है, मतलब क्लीन। लेकिन वही ना, गैलरी का साइज़ देखेंगे ना आप, तो गैलरी तो थोड़ा छोटा है, आपको आदत डालनी पड़ेगी, मतलब क्योंकि आप लंबी दूरी के ट्रेनों में भी हम जो है थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस को हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एलईडी पैनल, मतलब पूरे कोचेस में एलईडी पैनल है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। और सबसे मतलब ऐसा है कि अगर आप इस यहाँ पे अगर आपकी सीट आती है तो आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लंबी दूरी में हो और यहाँ बैठे तो पक्का बोर होने वाले हैं। स्लाइडिंग डोर है इसमें, आप वैसे खींचने वाले हैं, इस डोर को आपको स्लाइड करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर टैप करने के लिए ना, यहाँ पर आपको पानी के लिए यहाँ पर पैर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वाटर आएगा, क्योंकि अभी वाटर ख़त्म हो चुका है। ट्रेन ने टाइम से, मतलब टाइम से पहुंचा दिया था प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। और जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस है ना, इसका जो किराया है 705 रुपये नई दिल्ली से लेके लखनऊ तक का, लेकिन जो थर्ड एसी का किराया है उसका किराया है 760 रुपये, तो मतलब 50-60 रुपये का ही फ़र्क है। और आप देख सकते हैं कोच बहुत साफ था, सुविधाएँ हैं लेकिन जगह थोड़ी सी कम है, ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप ओवरनाइट जर्नी ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी की जर्नी करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं अभी हूँ लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, लखनऊ चारबाग के, और अभी चलता हूँ बाहर। मैं आ चुका हूँ अपने होटल में और आज की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है मेरी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Vicky01 यहाँ पे आ रहा हुआ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे एक और दूसरी जर्नी में, दूसरी ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।